लाइट लगवाते हैं। वाह, पिछला जो वोट बैंक हमेशा से रहा निशाने पर अलग पलग पार्टी, बीजेपी भी अपने 2019 के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेगी, उस पर रणनीति पर विचार हो। कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछड़ा नहीं रहा है ऐसा कहना गलत है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सदैव पिछड़ा वर्ग साथ रहा है। एकाद घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जिसमें हमें जो है कुछ दूरियां हमारी सरकार नहीं बन पाई थी, लेकिन पिछड़ा वर्ग बहुत ही विश्वास के साथ माननीय मोदी जी के साथ खड़ा है। कल भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ गांधी अध्ययन पीठ में एक आयोजन हो रहा है कार्य समिति की बैठक, और चूंकि कांग्रेस लगातार यह मुद्दा उठाती रही है कि यूनिवर्सिटीज में बीजेपी राजनीतिकरण कर रही है, इसी लेकर किस दृष्टि से आप देख रहे हैं इस आयोजन में? देखिए, हम लोग शुरू से कांग्रेस के लोग शुरू से ये कहते चले आ रहे हैं कि ये लोग पूरी यूनिवर्सिटीज़ BHU को आप देखेंगे बर्बाद कर दिया इन्होंने। BHU जो पूरे इंडिया में BHU का फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आता था, अभी जो रैंकिंग आई है उसमें BHU 15वें स्थान पर है यूनिवर्सिटी के उसमें रूप में, और कांग्रेस के समय में हमेशा BHU का स्थान फर्स्ट सेकंड थर्ड में रहता था रैंक में, आज 15वें स्थान पर। उसका एकमात्र कारण है कि पूरे के पूरे यूनिवर्सिटीज़ के, और विशेष रूप से मैं कहूँ कि बनारस का तो पूरी तरीके से इन लोगों ने भंडाधार कर दिया, पूरी तरीके से ख़राब कर दिया। 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पिछड़ा वर्ग पर निशाना साधने की तैयारी कर ली है, और इसके लिए प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को चुना गया है, जहाँ पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो BJP का है उसकी एक महासमिति की बैठक होने जा रही है। इसे लेकर भले ही भारतीय जनता पार्टी तैयारियों को पूरा होने की बात कर रही हो, लेकिन कांग्रेस एक बार फिर से BJP पर हमलावर है। गोपाल मिश्र, ETV वाराणसी।